सलमान खान को 5 साल की जेल हो चुकी है। सलमान खान जोधपुर सेंट्रल जेल में कैदी बन बैठे हैं। लेकिन सलमान को जेल होने के बाद जहां पर तकरीबन सभी सितारे सभी सेलिब्रिटीज परेशान नजर आए, वहीं पर एक एक्ट्रेस ऐसी भी है जो खुश है, जिसने सलमान के जेल जाने पर खुशी जाहिर की है। ये एक्ट्रेस बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट रह चुकी है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। भारतीय मूल की ब्रिटिश नागरिक और एक्ट्रेस, मॉडल और बिग बॉस 7 की कंटेस्टेंट रह चुकी सोफिया हयात। सोफिया ने बॉलीवुड के दबंग सलमान की सजा पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए भारतीय कानून की तारीफ भी की है। बॉलीवुड से मिल रहे समर्थन के बीच ऐसा पहली बार हुआ जब किसी एक्ट्रेस ने सलमान को मिली सजा पर खुशी जताई है। इस पोस्ट में सोफिया ने लिखा, अंत में आपका कर्म ही आपको घेरता है। कई लोग सलमान के खिलाफ बोलने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो बॉलीवुड को कंट्रोल करते हैं। खैर, मैं बोलने से नहीं डरती। मुझे बहुत खुशी है कि जो काम सलमान ने किया उसके लिए उन्हें जेल जाना पड़ा। धरती के लिए जानवरों का होना बहुत जरूरी है और उन्होंने, यानी कि सलमान ने जो किया वो गलत किया, उन्होंने सिर्फ अपने बारे में सोचा। सोफिया आगे लिखती हैं कि बहुत से बच्चे सलमान को फॉलो करते हैं, इसलिए युवा लोगों के प्रति उनकी जिम्मेदारी बनती है। वो ऐसे काम करके दुनिया को क्या दिखाना चाहते हैं, युवाओं को क्या शिक्षा दे रहे हैं? कानून तोड़ना, जानवरों को मारना और फिर खुद को बचाना, ये सही है सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी है। किसी पश्चिमी देश में सलमान को ड्रिंक एंड ड्राइव करते हुए किसी को मारने के लिए बेहद अपमानित किया जाता है। इसके बाद वो अपने कर्मों की भरपाई करने के लिए खुद को परोपकारी व्यक्ति दिखाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से कई बातें लिखी है सोफिया ने। आगे वो और भी लिखती हैं कि भारत ने आज दिखा दिया कि आप चाहे जो भी हो, गलत काम करने पर कानून से नहीं बच सकते। मैंने बहुत से युवा लोगों से सुना है कि कैसे लोग अपराधियों की शिकायत पुलिस से करने में डरते हैं, क्योंकि वो टीवी में देखते हैं कि पावरफुल लोग पुलिस, जज और वकीलों को पैसा देकर बच निकलते हैं। ऐसा मेरे साथ भी हो चुका है जब अरमान कोहली ने मेरे 2 वकीलों को खरीद लिया और मैं अपना केस आगे नहीं लड़ सकी। अच्छा खासा एक लंबा पोस्ट लिखा है सोफिया हयात ने और बाद में लिखा है हिंदुस्तान जिंदाबाद। कहती है, आज हिंदुस्तान मजबूती से खड़ा हो सकता है और दुनिया को गर्व से अपना सिर उठाकर कह सकता है कि भारत में न्याय होता है। आज गरीब लोगों को ये उम्मीद जागी है कि वो उन लोगों के खिलाफ न्याय के लिए लड़ सकते हैं जो कानून का मजाक उड़ाते हैं। आज मैं उन्हें कह सकती हूँ, हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो इस तरीके से बिग बॉस 7 कंटेस्टेंट सोफिया हयात ने सलमान के जेल जाने पर खुशी जाहिर की है। हाल फिलहाल सोफिया ग्लैमर की दुनिया छोड़कर अध्यात्म के मार्ग पर हैं। मॉडल से नन बनी सोफिया अक्सर ही अपने विवादित बयानों और अपनी बोल्ड तस्वीरों के कारण चर्चा में बनी रहती हैं। पर फिलहाल सलमान को 5 साल की जेल होने पर सोफिया खुश हैं। इस वीडियो में इतना ही।